हाय दोस्तों, टी नेबोटिक चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे कि आप अपने मशीन में सिंगल फुट यानी कि इस सिंगल फुट, कई जगह पे इसको सिंगल दाब भी बोला जाता है या फिर कई जगह पे इसको सिंगल चाप भी बोला जाता है, तो इस सिंगल फुट को आप कैसे यूज कर सकते हैं, यानी कि मशीन में कैसे लगाते हैं, कैसे लगाया जाता है, इसका सेटअप कैसे किया जाता है और किस पर्पस के, किस उद्देश्य से इसको यूज किया जाता है, कि यहाँ इसको लगाने के बाद क्या क्या काम इससे लिया जाता है, इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और लगाना भी सीखेंगे और इसका यूज क्या क्या रहता है उसके बारे में भी जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद घंटी के बटन जरूर दबाइएगा। तो ये जो फुट है दोस्तों, ये मार्केट में आपको 30 रुपये से आपको 50 रुपये के अंदर ही आपको ये फुट आपको मिल जाएगा। कहीं कई जगह पे आपको 50 रुपीज के मिल जाएगा, लेकिन 50 रुपीज के अंदर ही आपको ये फुट मिल जाएगा। तो चलिए इसको लगाते हैं, कैसे लगाया जाता है। तो इसको लगाने के लिए आपको पहले ये जो डबल फुट आपका मशीन में लगा हुआ रहता है, इसको सबसे पहले आपको निकालने की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए सीख लेते हैं कैसे पहले निकालते हैं। तो चलिए इसको निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो इसको निकालने का तरीका है कि आपको सबसे पहले ऊपर कर दें फुट को, और उसके बाद इसको इस तरीके से इसको ओपन करेंगे, इसका स्क्रू खोलेंगे। खोलने के बाद अभी हमारा फुट ओपन हो चुका है। अब इस फुट को साइड में रखेंगे और जैसे कि देख सकते हैं आप, यहाँ पे ये जो फुट है सिंगल वाला, इसको लगाएंगे यहाँ पे। तो चलिए ये सिंगल दाब को इस तरीके से आपको रखना है। और ये बता देना चाहता हूँ कि सिंगल दाब जो रहता है, लेफ्ट हैंड एक रहता है, एक राइट हैंड, तो आप दोनों वाला चाहें तो दोनों वाले भी खरीद सकते हैं। एक इस तरह कट रहता है, एक इस साइड पे कट रहता है, एक लेफ्ट साइड पे, एक राइट साइड पे, तो आप दोनों में से जो चाहें, यानी कि जिस तरीके पे आपको सिलाई लगाना है उस हिसाब से आप इसको परचेस कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे इस तरीके से आपको बैठाना है, और बिठाने के बाद यहाँ पे आपको इसको टाइट कर देना है। तो ये टाइट होने के बाद आप यहाँ पे सुई को देख लें, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सुई को आपको ध्यान देने की जरूरत है कि यहाँ पे जो सुई आपकी है, यहाँ पे जो गिर रही है, ये पॉइंट टकरा ना रहा हो, ये सुई का जो पॉइंट है ये इससे ना टकराए चाप से। अगर टकरा रहा है तो आपको क्या करना है, ये स्क्रू ड्राइवर की मदद से आपको यहाँ पे इस तरीके से लगाना है, और इस तरीके से लगाने के बाद इसको हल्का सा साइड में कर दें, जिससे कि ये सुई टकराए ना आपके फुट से। तो इस तरीके से आप ये टकरा नहीं रही है और स्मूथली चलना स्टार्ट हो गया है। तो इस तरीके से आप सेट कर सकते हैं। और इसका जो यूज है दोस्तों, इसका यूज है आप, तो इसका यूज जो करना है दोस्तों, इसको ये इनविजिबल जो जीप रहता है इसको लगाने के लिए, या फिर आप जब जरी वाले पीस पे, वर्क वाले पीस पे अगर आप काम करते हैं तो उसमें भी आप इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पे इस तरीके से बिठाया जाता है और इसके जस्ट साइड में आपको स्टिचिंग लगानी पड़ती है। ये देखिए यहाँ पे एकदम इसके जड़ में स्टिचिंग लगाना पड़ता है, इसके जड़ में इस तरीके से आपको स्टिचिंग इस तरीके से एकदम साइड में स्टिचिंग लगाएगा, और ये काफी यूजफुल दाब है। तो इस तरीके से आप सिंगल फुट का आप यूज कर सकते हैं, या फिर जरी वाले पीस में, या फिर कहीं जब आपको सिलाई जहां पे मार नहीं सकते हैं आप डबल फुट से, तो वहां पे इसका यूज किया जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो करिए लाइक और चैनल पे बने रहने के लिए सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन जरूर दबाएगा और वीडियो को लाइक जरूर करें।